हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट पॉप्स। ये खाना ये सबको खाना ही बहुत पसंद होता है। चॉकलेट्स चाहे बच्चे से लेकर बड़ा हो या बूढ़ा हो, सभी को बहुत पसंद है इसका फ्लेवर। और ये चॉकलेट बॉल्स से बहुत आसानी से घर में बन जाती हैं। तो आइए देखते हैं हम इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हम ले रहे हैं आइसिंग शुगर 1 कप। ये आइसिंग शुगर मैंने घर पर बनाई है। मैं इसकी जो वीडियो की लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। बाकी मैं ले रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ मेल्टेड बटर, 1 टीस्पून आप ध्यान रखिएगा 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ लेमन जूस, एंड 1 टीस्पून ही ले रही हूँ मैं वनीला एसेंस। और बाकी मैंने लिया है लूक वार्म वाटर, यानी हल्का गुनगुना पानी, एज मस्ट रिक्वायर्ड, लाइक जितना हमें लगेगा उस टाइम हम स्पून बाय स्पून डालते जाएंगे। तो देखते हैं, इसे शुरुआत करते हैं, इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। इसकी फिलिंग के लिए हम ले रहे हैं स्ट्रॉबेरी क्रश 2 टेबलस्पून, ये मैंने लिया है पाइनएप्पल क्रश 2 टेबलस्पून, और मिल्क पाउडर एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये फिलिंग जो है वो हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी चॉकलेट बॉल्स के लिए ही फिल करें, ये हम चॉकलेट्स में भी भर सकते हैं या मफिन्स बनाते हैं उसके सेंटर में भी डाल सकते हैं बेकिंग के पहले, तो आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत ईजी है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या करना है। इसके लिए जो जैसे स्ट्रॉबेरी क्रश है उसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे एज रिक्वायर्ड, जब तक ये जैसे थिक ना हो जाए या फिर ऐसा डो जैसा ना हो जाए जैसे हम इसकी बॉल्स बना सकें। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 1 चम्मच ही डालना है या 2 चम्मच डालना है। इसमें थोड़ा सा और डालेगा, मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ, फिर वापस से इसे एक मिक्स देना है। बस अब ये एक थोड़ा थिक हो जाएगा हमारी फिलिंग, ये बनके स्ट्रॉबेरी क्रश फिलिंग बनके तैयार है, या उसे स्ट्रॉबेरी सेंटर भी बोल सकते हैं। ये देखिए, ये काफी थिक हो चुका है और ये हमारा स्ट्रॉबेरी सेंटर बनके तैयार है। अब हम बनाते हैं अपना पाइनएप्पल सेंटर या पाइनएप्पल फिलिंग। ये अपने पाइनएप्पल क्रश में डाल रहे हैं, इसे भी मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर और डालेगा, मैं डालती हूँ। ये देखिए, ये हमारा पाइनएप्पल सेंटर बनके तैयार है। अब हम बनाते हैं अपनी चॉकलेट बॉल्स। इसके लिए हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें सबसे पहले डालेंगे अपनी आइसिंग शुगर, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे थोड़े बहुत लम्स हैं तो आप हाथ से उसे सेट कर सकते हैं। ये मैंने मेजरिंग कप के अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप कोई भी एक सेम कटोरी या बाउल ले लें, उसके अकॉर्डिंग 1/2 और 1/4 करते जाएं। बस ये है कि इसका मेजरमेंट का अच्छे से ध्यान रखना है हमें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, मेल्टेड बटर, वनीला एसेंस, और वापस से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स सब अच्छे से मिक्स हो गए और आप देख सकते हैं थोड़ा बाइंड भी होने लगे हैं। अब हम इसमें स्पून बाय स्पून एक करके पानी डालेंगे। अभी मैं 2 स्पून पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है अभी इसमें काफ़ी पानी जाएगा, बट आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें क्योंकि ज़रा सा भी एक्सेस वाटर ना ये पूरी रेसिपी ख़राब कर सकता है। तो देखिए, मैंने सिर्फ 2 चम्मच पानी डाला है, ये अच्छे से बाइंड होने लगा है। ये देखिए, ये 2 स्पून गर्म पानी से ही इसका डो अच्छे से बन गया है। अब हम इसे अच्छे से नीड करेंगे ताकि इसमें एक शाइन आ जाए और ये प्रॉपर अच्छा हो जाए। देखिए, मैं इसे अच्छे से नीड कर रही हूँ,
से ऑलमोस्ट 5 मिनट, तो एटलीस्ट हमें 5 से 10 मिनट नीट करना है जिससे इसमें प्रॉपर शाइन आ जाए और अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए दूसरे के साथ। तो हम इसे नीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 5 मिनट इसे अच्छे से नीट करने के बाद हमारा डो जो है वो सॉफ्ट हो चुका है और इसमें अच्छी सी शाइन आ चुकी है। आप देखिए हाथ से अच्छे से एक डो जैसा हो गया है, प्रॉपर चॉकलेट डो यू कैन से। अब हम क्या करेंगे, अपना हैंड थोड़ा सा ग्रीस करके बटर से, मैंने ऑलरेडी कर लिया है, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये पोर्शन तोड़ लिया है, इसकी बॉल्स बना रहे हैं और इसके अंदर जो हमने स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल की जो फिलिंग बनाई थी उसे हम एक एक स्पून की हेल्प से फिल करते हैं। ये देखिए ये पाइनएप्पल फिलिंग है हमारी, इसे देखिए हमने इसके सेंटर में रखा, बस इसे रोल कर देंगे। ये हमारी चॉकलेट बॉल्स तो बन के तैयार है। ये ज़रूरी नहीं है आप इसमें इन्हीं की फिलिंग करें, आप इसमें रोस्टेड नट्स डाल सकते हैं, जो जेली बीन्स आती है, छोटी छोटी जेली चॉकलेट्स आती हैं उसे फिल कर सकते हैं, कॉफ़ी फिलिंग बना सकते हैं, जैसे हमने अभी इसमें मिल्क पाउडर में ये क्रश मिलाया, पाइनएप्पल क्रश और स्ट्रॉबेरी क्रश, उसी तरह आप कॉफ़ी पाउडर डाल के हल्का सा बटर डाल के उसको मिलाएंगे तो कॉफ़ी सेंटर आपका तैयार हो जाएगा। या जो भी चाहें, जैसे कि कोई कैंडी हो, कैरेमल कैंडी हो, कैरेमल चॉकलेट हो, वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी चॉकलेट बॉल्स बनके तैयार हैं। इसी तरह मैं अपनी सारी चॉकलेट बॉल्स बनानी है, कुछ स्ट्रॉबेरी, कुछ पाइनएप्पल या कुछ रोस्टेड नट्स की। ये देखिए ये मैंने ऐसे सारी बॉल्स बनानी है, मैं लास्ट ये स्ट्रॉबेरी बॉल बना रही हूँ चॉकलेट की। ये हमारी चॉकलेट बॉल्स बनके तैयार हैं, इसे थोड़ी देर हम फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। होप यू वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू।